हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं बुधवार को सुबह पाली के रामनगर में कोरोना वायरस से संक्रमित महिला की मौत हुई है। इसे मिलाकर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज पाली की ओर से जारी कोरोना बुलेटिन में आज पाली शहर सहित जिले में 24 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें सर्वाधिक 13 लोग दूसरे उपखंड के काना गाँव से मिले हैं। इसके अलावा घाने गाँव में 4, जोबा में 1, पावा गाँव में 1, बसंत गाँव में 1 व पिपलिया में 2 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों के मिलने के बाद इन गांव की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई है तथा संपर्क में आए लोगों को और परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन सेंटर भेजकर उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। पाली शहर के रामनगर में 80 वर्षीय वृद्ध महिला की अस्थमा के कारण मौत हुई थी, लेकिन जांच करने पर महिला पॉजिटिव निकली। उसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए चिकित्सा विभाग ने अपने कब्जे में लेकर कोविड-19 के मापदंडों के अनुरूप अंतिम संस्कार किया गया। वहीं रामनगर को पूरी तरह से सील कर महिला के परिवार के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। पाली में अब तक 1236 लोगों की जांच होने के बाद अब तक 92 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 21 लोगों को ठीक होने के बाद उन्हें घर पर भेज दिया गया है। बांगड़ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जोधपुर में अभी भी 68 लोगों का उपचार किया जा रहा है, जो सभी पॉजिटिव है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अनुसार आज तक 600 से अधिक लोगों के सैंपल और लिए जा चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।